अगर बिहार सरकार को अपने पूरे योजनाओं का भी 32% लगाना पड़े तो वो भी लगाए, अलग से स्पेशल बजट का मांग बनाना पड़े वो भी इसके लिए जारी किया जाए, या फिर केंद्र सरकार से स्पेशल मदद भी मांगने की जरूरत है, विदेशी बैंकों से लोन की भी जरूरत है तो वो भी लेके पूरा किया जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। जब हम रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए IDB से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से, इन सभी से लोन ले सकते हैं, तो बिहार वासियों के लिए, अपने राज्य के और देश के नागरिकों के लिए लोन क्यों नहीं ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NewsPR, मैं हूं आदेश। पूरी देश में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा कि बिहार में होने वाले चुनाव में NDA ने ये वादा कर रखा था कि चुनाव जीतने के बाद जितने भी बिहारवासी हैं उन्हें मुफ्त में टीका लगाया जाएगा, तो ये वचन जो है उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। और इस पर मोहर तब लग गई जब कल शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि बिहार में 18 साल से अधिक उम्र वालों को, यानी कि हर एक बिहारवासियों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। हमने एक लेख लिया है दैनिक भास्कर पेपर से, जिसमें दिया हुआ है कि मुफ्त का जो है वो कितना भरपाई करना पड़ेगा बिहार सरकार को अपने राजस्व के खाते से। ये हम पूरी स्टोरी या पहले आपको बताते हैं कि क्या स्टोरी में दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि 10,69,03,212 डोज 1 मई के बाद चाहिए बिहार सरकार को, और ऐसे में 13,264 करोड़ के स्वास्थ्य बजट में से 4,276 करोड़ रुपए जो है वैक्सीन पर खर्च हो जाएंगी और बाकी काम पर जाएंगे ठप, यानी कि वैक्सीन ही खा जाएगा बिहार के हेल्थ बजट का 32%। तो आपको हम बता दें कि वैक्सीन राज्य सरकार ने इसके लिए पहले से ही ऑर्डर देकर व्यवस्था कर लेने के प्रयास में है। जानकारों का कहना है कि सुशील मोदी ने आनन फानन में बयान तो दे दिया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि यदि वैक्सीन की दोनों डोज के ऑर्डर सरकार देती है तो स्वास्थ्य विभाग के पास इस साल के लिए दूसरे काम के लिए पैसे नहीं बचेंगे। जिसमें दिया हुआ है कि 400 रुपये प्रति डोज है कीमत। बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की नई कीमत तय की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये प्रति डोज और प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए 600 रुपये प्रति डोज तय करने की घोषणा की है। SII के एक बयान में कहा गया कि अगले 2 महीने में वैक्सीन प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ाएंगे, हमारी उत्पादन क्षमता का 50% भारत सरकार के वैक्सीनेशन अभियान को और बाकी 50% राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को दिया जाएगा। बिहार में 10 करोड़ से ज़्यादा डोज की ज़रूरत है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की घोषणा कर दी गई है, 1 मई से सभी लोगों को टीका लग सकेंगे। बिहार राज्य की बात करें तो 18 साल से लेकर 49 साल के लोगों की संख्या 5,34,51,606 है। बिहार में 1 मई से लगभग इतने लोगों को कोरोना का टिकट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिहार सरकार को इतने वैक्सीन की ज़रूरत 1 मई से हो जाएगी। यदि बिहार सरकार पहली डोज के लिए वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से खरीदती है तो 2,138,06,42,400 रुपये खर्च करने होंगे। इसके तुरंत बाद दूसरी डोज के लिए इतने ही वैक्सीन की ज़रूरत होगी। दोनों मिला दे तो इसके लिए अलग से 10,69,03,212 डोज की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों डोज मिलाकर बिहार सरकार को 4,276,12,84,800 रुपये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को देने होंगे। और पेपर में दिया हुआ है कि चरमरा जाएगा पूरा हेल्थ बजट। बिहार सरकार ने अपने वित्तीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग के लिए 13,264 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें 6,900 करोड़ रुपये जो है योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 6,300 करोड़ रुपये जो है स्वास्थ्य संबंधी निर्माण कार्यों में खर्च किया जाएगा, यानी अस्पताल निर्माण में खर्च करेगी। अभी से अगली डोज के लिए यदि CII को ऑर्डर देती है तो योजनाओं के बजट में से मात्र 2,600 करोड़ रुपये ही बचेंगे। स्वास्थ्य विभाग आगे की योजनाओं पर काम करने में असमर्थ रहेगा। जानकारों का कहना है कि सुशील मोदी के वित्त मंत्री भी रहे हैं, जरा उन्हें हिसाब लगाना चाहिए था कि बिहार की वित्तीय व्यवस्था कैसी है। ये तो पेपर का एनालिसिस था कि जो हेल्थ बजट है उसका 32% जो है वो खर्च हो जाएगा। लेकिन कोरोना महामारी जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के आई है और उसका एकमात्र जो ब्रह्मास्त्र है वो वैक्सीन ही है,
ऐसे में जब लोग ही नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य बजट का लेके हम क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा त्रासदी जो है वो आज़ादी के बाद से कभी भी भारत में नहीं आया है, और ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी मानव जो संसाधन है इसके काल के गाल में समा जाएगी। ऐसे में अगर पूरे योजना का बिहार का भी 32% लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो लगाना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हम रहेंगे तभी योजनाओं का उपयोग कर सकेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे, उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। आखिर योजनाएं लोगों के विकास के लिए ही बनती है। और अभी जो है क्षणिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है कोरोना वायरस, जो कि बहुत जल्द समय में हजारों लोग को रोज लीलते जा रहा है, उनके मौत का कारण बनते जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि बिहार सरकार, जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने वादा किया था कि एक एक लोगों को हम मुफ्त में देंगे वैक्सीन का डोज, इसे पूरा करना चाहिए। स्पेशल बजट का प्रावधान करना चाहिए कि वैक्सीनेशन के लिए, जो कि स्वास्थ्य विभाग से इतर वो बजट हो, ताकि पूरे एक एक बिहारवासी का वैक्सीनेशन किया जा सके। क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जान है तो जहान है। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर हम बजट बना के क्या करेंगे। और सबसे बड़ी ज़रूरत है, और बिहार सरकार को सबसे पहले ऑर्डर करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए, उतने डोज मंगा लेना चाहिए अपने लोगों के लिए जितने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन होने वाला है ये यंग पीढ़ी का होने वाला है, यही बिहार और देश का भविष्य बनने वाले हैं। अगर यही प्रभावित हो जाएंगे सबसे ज़्यादा, या फिर राज्य सरकार इनके ही वैक्सीनेशन में 19-20 देखने लगेगी, तो इससे आगे का जो भविष्य जो है हमारा वो कमज़ोर हो जाएगा, डरा हुआ हो जाएगा, या फिर कहें तो एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो मानवों की वो काल के गाल में चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ज़रूरत है अगर बिहार सरकार को अपने पूरे योजनाओं का भी 32% लगाना पड़े तो वो भी लगाए, अलग से स्पेशल बजट का मांग बनाना पड़े वो भी इसके लिए जारी किया जाए, या फिर केंद्र सरकार से स्पेशल मदद भी मांगने की ज़रूरत है, विदेशी बैंकों से लोन की भी ज़रूरत है तो वो भी लेके पूरा किया जाए। क्योंकि जान है तो जहान है। जब हम रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए IDB से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से, इन सभी से लोन ले सकते हैं, तो बिहार वासियों के लिए, अपने राज्य के और देश के नागरिकों के लिए लोन क्यों नहीं ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सुशील मोदी ने एकदम सही बातें कहीं, उन्होंने याद दिलाया बिहार सरकार को कि हमने विधानसभा चुनाव में वादा किया था, इसे पूरा करने की ज़रूरत है और समय रहते ऑर्डर दे देना चाहिए। और राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी कि हम एक एक लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराएंगे, और कराना भी चाहिए, काफ़ी सकारात्मक पहल है, और बिहार सरकार में इसको इसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दैनिक भास्कर का अपना कैलकुलेशन है, लेकिन हम जो हैं मांग करते हैं कि हर एक बिहारवासी को फ्री में वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।